नमस्कार साथियों, सभी का वेलकम। तो आज सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित किया गया। ASO भर्ती एग्जाम 2024 25 अगस्त को ये पेपर आयोजित किया गया। टोटल अभ्यर्थी 13,000 ने यहाँ आवेदन किया है और उपस्थिति लगभग 50% के आसपास है। केवल यहाँ 10 पोस्ट है टोटल ASO की। देखिए, चैनल पर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, यहाँ से आपको अपडेट न्यूज़ मिलती रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो सांख्यिकी के क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स है और इकोनॉमिक्स के, वो बता दी जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आए, जिसमें से 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं, करंट जीके हैं, राजस्थान जीके हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मिलान करना था तो यहाँ पर जो राजशेखर है प्रबंध कोष हो जाएगा, जय नायक है वो पृथ्वीराज विजय हो जाएगा, नयन चंद है वो हमीर मार्ग का भी हो जाएगा, और चंद्रशेखर है वो सूर्य चरित्र हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर होगा। ए ऑप्शन में 3 है, ये यहाँ करेक्ट आंसर है। बी में 2 है। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चन्नालाल बजाज, सॉरी ऑप्शन तीन करेक्ट आंसर होगा। फिर बिजौली आंदोलन के बारे में बताया गया है, तो पहला ओके, दूसरा ओके, तीसरा ओके, तीन यहाँ ओके हैं। देखिए, 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजौली क्षेत्र में चौरी कर लगाया, ये बिल्कुल ओके है। प्रति सिंह तलवार बंधाई कर, ये भी ओके है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर सभ्यता के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन 3 या 2 में से किसका करेक्ट आंसर है, एक मिनट। यह देखिए, पहला ऑप्शन ओके है, पहला करेक्ट है, तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। दयाबाई और शेषोबाई ये संत चरणदास जी की शिष्य थी, ऑप्शन 3 इस करेक्ट आंसर। फिर देखिए रसमत के बारे में पूछा गया है, यहाँ उसको चेक करना। फिर हवेली का प्रश्न है, ये देखिए अच्छा प्रश्न है। 8 फरवरी 1942 को ईस्वी को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन 2 यहाँ करेक्ट आंसर है, रणछोड़ दास घटानी, ऑप्शन 2 इस करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट, श्रृंगार चौरीकर के बारे में पूछा गया है, उसको आप चेक कर लेना। ये देखिए बांके यहाँ करेक्ट आंसर है, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा, 1944 नीम का थाना मीना सुधार समिति, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर, मंशीधर शर्मा। फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन है उसको आप चेक करना, इसका भी कन्फर्म आंसर नहीं है। नेक्स्ट, 13 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है, इलायची और कमला, ये राजस्थान के किस क्षेत्र से लिखी है, तो ये नाथद्वारा से ली, नाथद्वारा राजसमंद, यहाँ मिलान करना था, करना व्यास एकलिंग मार्ग भी हो जाएगा, नाता ऑप्शन 4 हो जाएगा, अत्री और महेश ऑप्शन 3 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। तो आज का ASO का पेपर है और राजस्थान जीके के टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। ये देखिए, एग्रो फूड पार्क बोरनाडा जोधपुर ओके, हिरनपुर कोटा है उद्योग विभाग, 3 जगह बनाए गए, पूछा है नहीं किया गया, तो यहाँ पर किशनगढ़ अजमेर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है, डोरा पर्वत जालौर जिले में। यहाँ पर करेक्ट आंसर उदयपुर, यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, यह काली मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में पूछा गया है, 4,000 पुरुष है और 4,500 महिला है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा, यहाँ 4,500 रुपये प्रति माह महिला को मिलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, ये गलत है, बाकी बिल्कुल ओके है तीनों। यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी नहीं है ये पूछा है यहाँ पर,
तो यहाँ पर सदस्य नहीं है, ऑप्शन दो दो या तीन में से चेक करना आप। ये देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर ये करण जीके का प्रश्न है, मई 2024, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा कृषि और भूमि, ऑप्शन चार बिल्कुल ओके आंसर है। तो ये 40 प्रश्न यहाँ पूछे गए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आलोक शुक्ला, ऑप्शन तीन बिल्कुल ओके आंसर है। फिर ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। भारत में कृषि जनगणना है ये 5 वर्ष में होती है। शून्य परिकल्पना को परिभाषित करना है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन चार समित पठन के लिए μ3 का मान 0 होता है। बियान सिंह से संबंध का क्वेश्चन है, ऑप्शन तीन यह करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एक काल श्रेणी के लिए पूछा गया है, घटक मापने के लिए कौन सी विधि, तो यहाँ पर घटक मापने के लिए चर अंतर विधि। तो यहाँ फिशर का आदर्श सूचकांक का सूत्र है ये, मूल्य सूचकांक का। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आंसर भी तो सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन दो होगा। सीएसओ का पूरा नाम पूछा है, तो अभी ऑफिस हो चुका है, ऑफिस का मतलब कार्यालय, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। यहाँ यहाँ पर एक आयामी पूछा है, तो बार चित्र या करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन दो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन चार स्पेरिमेंट का कोटि से संबंध गुणांक का फॉर्मूला लगता है। टोटल 10 पोस्ट के लिए एग्जाम आयोजित किया गया, 13,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, कितनी उपस्थिति रही, कल के न्यूज़पेपर से ये पता चलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण के लिए NSSO, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा न्यूनतम, ऑप्शन चार बिल्कुल ओके है। यदि समांतर माध्य आता तो 0 होता, लेकिन यहाँ पर माध्यिका से पूछा है तो न्यूनतम। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सभी तो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएंगे, बने रहिए चैनल के साथ। चैनल पर नए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, ASO से संबंधित आपको अपडेट न्यूज़ मिलती रहेगी। अभी हाल ही में एक नेट नई भर्ती आई है 43 पोस्ट के लिए, जिसके फॉर्म अभी चालू हैं। जो नई ASO की वैकेंसी आई है उसमें 30 राजस्थान के जीके क्वेश्चन है, 30 स्टैटिक्स के हैं, 20 इकोनॉमिक्स के हैं, 10 कंप्यूटर के हैं और 10 मैथ के हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे न्यू भर्ती के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना।